हाय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस क्वेश्चन दैट केम इन जेईई एडवांस पेपर वन फिजिक्स इन द ईयर 2020. वन ऑफ द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्सियल क्वेश्चंस ऑफ दिस ईयर्स जेईई. दिस वाज बेस्ड ऑन सरफेस टेंशन एंड वाज न्यूमेरिक टाइप. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट वाज द गिवन क्वेश्चन, व्हाट वाज द फ्लॉ इन दिस, और व्हाट वाज द फ्लॉ इन द रीजनिंग बाय विच वी विल अराइव एट द जेईईज आंसर, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर इन माई ओपिनियन. And I will also show you two beautiful methods to arrive at that correct answer. First, let's quickly see what is happening over here. यहाँ पे एक glass है जिसके अंदर हमने water को fully fill कर दिया है. Now it is given that कि अगर हम water को थोड़ा सा और ऊपर तक भरें तब water गिरना शुरू होता है, not exactly after filling it till at the top level. ठीक है, तो वो हमें वो extra height h निकालनी है. There are certain assumptions that IIT has stated कि इस जो जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम है वाटर का उसको हम डिस्क शेप्ड अज्यूम कर सकते हैं. ठीक है, टॉप से देखने से डिस्क दिखाई पड़ेगी. फिर यहाँ पे एक्सेस प्रेशर की वैल्यू जब सरफेस टेंशन के फोर्स विदस्टैंड नहीं कर पाएंगे तो यहाँ से वाटर की रिम फट जाएगी एंड वाटर विल स्टार्ट फॉलिंग ऑफ. ठीक है, और इस पार्ट को हमें सेमी सर्कल अज्यूम करने को बोला गया है. ग्रेविटी की वैल्यू, सरफेस टेंशन की वैल्यू एंड डेंसिटी ऑफ वाटर हमें क्वेश्चन में गिवन है. राइट, तो सबसे पहले वी विल सी हाउ डू वी अराइव एट आईआईटीज आंसर. ठीक है, तो आई एम गोइंग टू शो यू द टॉप व्यू ऑफ दिस डिस्क. किस डिस्क को अगर टॉप से देखें तो कैसी दिखाई पड़ेगी, एंड देन तो वो हमें एक ऐसा एक डिस्क दिखाई पड़ेगा. राइट, इसका रेडियस कैपिटल आर होगा. ओके, ये हाइट जो है, ये जो थिकनेस एच जो हमें निकालनी है इन द क्वेश्चन, दैट विल गो इनसाइड द स्क्रीन प्लेन. ओके, आई विल ऑल्सो शो यू द साइड व्यू of this. ठीक है, तो ये मैं तुम्हें खाली इतना पार्ट आई एम शोइंग यू. ठीक है, सो विच इज एच. ओके, नाउ टू अराइव एट आईआईटी सॉल्यूशन, अगर यहां पे प्रेशर पी नॉट है तो यहां पे प्रेशर कितना होगा, पी नॉट प्लस एच रो जी. ओके, बिकॉज वी आर गोइंग वर्टिकली डाउन बाई डिस्टेंस ऑफ एच. यहां पे प्रेशर अगर पी नॉट है तो सिंस वी आर क्रॉसिंग दिस सर्फेस, तो एक्सेस प्रेशर को अकाउंट में लेने के बाद यहाँ प्रेशर कितना हो जाएगा, पी नॉट प्लस टी बाई स्मॉल आर, जहाँ पे स्मॉल आर ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है. हम जो ये वाला जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इसको हम स्मॉल आर कह सकते हैं. ठीक है, तो ये 2t/r नहीं होगा, इनफैक्ट t/r होगा, बिकॉज इफ यू रिमेम्बर ये जो सरफेस है इसके दो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, एक तो ये वाला जो कि स्मॉल आर है और एक ये वाला जो कि कैपिटल आर है. कैन यू फील दिस, ये सर्फेस अगर तुम 3D में इमेजिन करो तो ये सरफेस तुम्हें ऐसी दिखेगी, है ना. तो इस सरफेस का एक रेडियस ऑफ कर्वेचर ये स्मॉल आर है और एक रेडियस ऑफ कर्वेचर ये बड़ा सा, मतलब इफ यू कैन सी दिस इज स्मॉल आर ये वाला, और एंड वन रेडियस जो तुम इसको अराउंड यू कैन गो सरकम नेविगेट करो उसको, ये वाला जो डिस्क का रेडियस है वो इसका सेकेंड रेडियस ऑफ कर्वेचर है. तो इफ यू रिमेंबर यंग्स फॉर्मूला कहता है कि एक्सेस प्रेशर की वैल्यू होती है टी इंटू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू. ठीक है, तो इस सिचुएशन में जो कैपिटल आर है वो स्मॉल आर से बहुत बड़ा होगा, बिकॉज ये जो हाइट है ये तो बहुत ही मिलीमीटर्स टाइप होगी. अब तुम ये एक्सपेरिमेंट घर पे भी कर सकते हो, यू विल सी दैट दिस स्मॉल एच विल बी वेरी वेरी स्मॉल इंडीड. ठीक है, तो ये आर इससे बहुत बड़ा होगा, तो इस वाले आर टू को अपन इन्फिनिट मान सकते हैं, तो दिस विल बिकम ओनली स्मॉल आर. ठीक है, सो फ्रॉम हियर यू विल गेट द आंसर. आईआईटी का आंसर जो आया था, तो आर की वैल्यू को हम एच बाई टू रख सकते हैं बिकॉज एच विल बिकम द डायमीटर. ठीक है, तो यहाँ से h की वैल्यू आती है 2ty rho g का अंडर रूट. पुटिंग द वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन रो एंड g, यू आर गोइंग टू गेट द आंसर विच विल मैच विद आईआईटीज. ठीक है, नाउ लेट अस सी व्हाट इज द फ्लॉ इन दिस रीजनिंग, कि व्हाई दिस कांट बी अ सेमी सर्कल. ठीक है, तुम ध्यान से सोचो व्हाट वी आर सेइंग, कि यहाँ पे जो एक्सेस प्रेशर है कितना है t/r, इसकी वैल्यू हमने h rho g के इक्वेट कर दी जो कि गेज प्रेशर है. h rho g जो गेज प्रेशर है ये t/r के इक्वेट कर दिया. ठीक है, आर क्या है, इस सेमी सर्कल का रेडियस जो कि एच बाई टू है. नाउ इफ यू थिंक केयरफुली, यहाँ पे गेज प्रेशर कितना है, जीरो, तो यहाँ पे एक्सेस प्रेशर कितना है t/r, क्योंकि ये तो सेमी सर्कल है. फिर यहाँ पे गेज प्रेशर कितना है, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आते हैं तो थोड़ा सा गेज प्रेशर एक्स्ट्रा क्रिएट हुआ, तो यहाँ पे एक्सेस प्रेशर t/r है. फिर थोड़ा सा और नीचे आए तो यहाँ पे गेज प्रेशर मतलब थोड़ा सा एच रो जी है, मतलब स्मॉल एच नहीं कोई और वाई रो जी मान लो, वाई रो जी है. सो एक्सेस प्रेशर कितना है t/r, सो यू कैन सी दैट एक्सेस प्रेशर इज नॉट चेंजिंग बिकॉज आर इज कॉन्स्टेंट फॉर अ सेमी सर्कल. तो एक्सेस प्रेशर इज नॉट चेंजिंग बट गेज प्रेशर इज चेंजिंग, सो दिस ऑफ कोर्स इज नॉट पॉसिबल.
सो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि ये सेमी सर्कल हमने अज्यूम कर लिया है, आर को कॉन्स्टेंट मान लिया है, विच इज नॉट अलाउड. एक्चुअली ये आर कॉन्स्टेंट नहीं हो सकता है, हेंस इट इज रॉन्ग. ठीक है, सो बेसिकली इन माई ओपिनियन दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर. इन फैक्ट अगर हम इसको सेमी सर्कल मान भी लेते तो ये वाला पार्ट हॉरिजॉन्टल है, राइट? क्योंकि सेमी सर्कल ये ऐसे आएगा, ठीक है, तो ये वाला पार्ट हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, तो भी ये आंसर सही नहीं है. ठीक है, तो अपन देखते हैं कि इस केस में भी अगर ये हॉरिजॉन्टल हो भी जाए तो भी करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए इन माई ओपिनियन. ठीक है, तो अब इसको अपन फोर्स मेथड से सॉल्व करेंगे, एंड आई विल ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ दिस वेरी ब्यूटिफुली. इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को भी हम निकालेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट वी सॉल्व दिस क्वेश्चन बाई फोर्स मेथड. अगेन मैं वही दो डायग्राम बना रहा हूँ, ये जो टॉप व्यू है इसका रेडियस आर है, ठीक है, और ये इसका साइड व्यू. ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक डीएल लेंथ ऐसे लेता हूँ, ठीक है, तो करस्पॉन्डिंगली इस डायग्राम में वो डीएल लेंथ कैसे दिखेगी, ऐसी. तो इस डायग्राम में वो स्क्रीन प्लेन के अंदर गई है, राइट? ये विजुलाइज तो मैं बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा, स्क्रीन प्लेन के अंदर गई है, ठीक है, और करस्पॉन्डिंगली बॉटम सर्फेस पे डीएल लेंथ ऐसे जाएगी. तो अगर मैं तुम्हें इस सर्फेस को अलग से दिखाऊं तो ये डीएल लेंथ, ठीक है, ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट है, ठीक है, और ये डीएल लेंथ. ठीक है, तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस फिगर. ठीक है, तो इस पार्ट पे जो सर्फेस, जैसे ये डीएल लेंथ यहाँ पे दिख रही है ना, तो इस पार्ट पे जो सर्फेस टेंशन, ये फिगर थोड़ा गंदा बना है, इसको हटा देते हैं. ठीक है, इस पार्ट पे जो सर्फेस टेंशन, अब मैं इस सर्फेस का इक्विलिब्रियम कंसिडर करूंगा, जो शेडेड सर्फेस है ना, शेडेड सर्फेस, इसका इक्विलिब्रियम कंसिडर करूंगा. ठीक है, तो इसका इक्विलिब्रियम कैसे आएगा, इधर से एक सर्फेस टेंशन का फोर्स लग रहा होगा ऐसे, ठीक है, कितना, टी डी एल, और सिमिलरली यहाँ पे एक सर्फेस टेंशन का फोर्स लगेगा टी डी एल, तो 2 TDL का सर्फेस टेंशन का फोर्स लेफ्ट वर्ड्स लगेगा. ठीक है, अब राइट वर्ड्स कौन फोर्स उसको बैलेंस कर रहा है, इफ यू सी केयरफुली यहाँ पे एटमोस्फियरिक प्रेशर है, ठीक है, और यहाँ पे पी नॉट प्लस, मतलब लीनियरली वेरिंग प्रेशर है, वाई का फंक्शन है. ठीक है, तो पी नॉट और पी नॉट वाला फोर्स तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, सिर्फ एक लीनियरली वेरिंग फोर्स आएगा. अगर मैं इस कर्व सरफेस का एक प्रोजेक्शन एरिया ले लूँ, ये वाला जो प्रोजेक्शन एरिया आएगा, ठीक है, तो मिडिल पॉइंट पे जो गेज प्रेशर है उसकी वैल्यू हो जाएगी h/2ρg, ठीक है, इंटू ये सरफेस एरिया जो कि h × dl, h × dl. इसको एक बार अपन और अच्छे से समझ लेते हैं. यू वुड हैव डन सच टाइप ऑफ क्वेश्चन कि एक क्यूबिकल रूम है, ठीक है, ये इसमें वाटर भरा हुआ है, तो इस वॉल पे फोर्स बताओ. तो हाउ डू यू डू दिस, मिडिल पॉइंट पे प्रेशर लिखा मल्टीप्लाइड बाई होल एरिया, ठीक है, एवरेज प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई होल एरिया, होल एरिया, तो वहां से मैं आंसर आ जाता है. ठीक है, सो सेम थिंग आई एम सेइंग कि इस कर्व सरफेस का जो प्रोजेक्शन एरिया है वो कितना है, h × dl है. ठीक, अब इस प्रोजेक्शन एरिया पे इधर से फोर्स कितना आएगा, अगर तुम एटमोसफियर का अकाउंट में लेते हो तो पी नॉट प्लस h/2ρg आएगा, एवरेज प्रेशर मिडिल पॉइंट पे, पी नॉट प्लस h/2ρg इंटू एरिया करेंगे, और इधर से कितना आएगा, पी नॉट इंटू एरिया, तो वो पी नॉट वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो h/2ρg इंटू एरिया, और एरिया कितना है, h × dl प्रोजेक्शन एरिया. आई होप यू गॉट दिस. ठीक है, तो यहाँ से डीएल डीएल कैंसिल होता है, तो यू कैन सी दैट यहाँ से h की वैल्यू कितनी आती है, 40/ρg अंडर रूट. दिस इन माई ओपिनियन इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, अब इस चीज में मैं तुम्हें, इस क्वेश्चन में तुम्हें एक ब्यूटीफुल चीज और दिखाता हूँ. अगर मेरे को इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालनी हो, ये जो साइड वेज था ना ये, ठीक है, ये वाला जो पार्ट था, इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालनी हो तो वो क्या आएगी, और उस मेथड से भी इसका आंसर अपन वेरीफाई करते हैं. तो लेट अस से, ठीक है, इस पॉइंट को ओरिजिन मान लेते हैं, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस. रिमेंबर दिस इज नॉट अ सेमी सर्कल, ठीक है, ये कोई भी जनरल कर्व है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर वेरी कर रहा है, आर मान लेते हैं एक्स कॉमा वाई पे. ठीक है, आई हैव टेकन एक्स डाउनवर्ड्स एंड वाई लाइक दिस. ठीक है, तो इस पॉइंट पे अगर मैं गेज प्रेशर लिखूं तो यहां से मैं कितनी हाइट नीचे आया, एक्स, ठीक है, तो कितना गेज प्रेशर बनेगा, x ρg. ठीक है, इस पॉइंट पे गेज प्रेशर बनेगा x ρg, और मैं इधर से इधर क्रॉस करूं तो एक्सेस प्रेशर बनेगा t/r. ठीक है, इफ यू रिमेंबर हमने यही बोला था कि किसी भी पॉइंट पे जो गेज प्रेशर की वैल्यू है वो एक्सेस प्रेशर के इक्वल होनी चाहिए, तो x ρg विल बी इक्वल टू t/r. मैं यहाँ से यहाँ आया तो x ρg का प्रेशर बना, और यहाँ से यहाँ गया तो t/r. ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी, तो यहाँ से r की वैल्यू आती है हमारे पास t/x ρg.
आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट दिस पॉइंट। अब इस रेडियस ऑफ कर्वेचर को मैं मैथमेटिक्स के फॉर्मूले से कैसे लिख सकता हूँ, 1 + dy/dx का होल स्क्वायर टू द पावर 3/2, ठीक है, डिवाइड बाई d2y/dx2, ठीक है। ये फॉर्मूला मॉड में आता है, तो अगर मैं मॉड ना लगाऊं तो एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा। ऐसा क्यों? बिकॉज इफ यू थिंक इस कर्व का स्लोप यहाँ पे इन्फिनिटी है, ठीक है, ये कर्व यहाँ पे, ये फ्लैट हॉरिजॉन्टली स्टार्ट होगा, यहाँ पे हॉरिजॉन्टली क्यों स्टार्ट होगा, बिकॉज यहाँ पे एक्सिस प्रेशर की वैल्यू जीरो है, क्योंकि गेज प्रेशर की वैल्यू जीरो है। गेज प्रेशर अभी क्रिएट ही नहीं हुआ है, हम तो सेम यहीं पे मतलब एकदम टॉप लेवल पे हैं, तो गेज प्रेशर जीरो है, हेंस एक्सिस प्रेशर जीरो है, देयर फॉर आर इज इन्फिनिट। तो ये फ्लैट सर्फेस है एकदम हॉरिजॉन्टल, तो एकदम ही हॉरिजॉन्टल है अभी, और अब ये ऐसे स्लोप लेना शुरू होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे जीरो है, सॉरी इन्फिनिट है, ठीक है। तो इसलिए ये हॉरिजॉन्टल है, ये कर्व ऐसे स्टार्ट होता है और धीरे धीरे करते करते ये कर्व ऐसे यहाँ पे इधर आ जाता है, ठीक है। तो अब तुम सोचो तो dy/dx की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, इन्फिनिटी हुई, फिर ऐसे यहाँ पे जो स्लोप है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई, तो यहाँ पे स्लोप जीरो हो गया, ठीक है, उसके बाद नेगेटिव हो गया, तो dy/dx डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो d2y/dx2 नेगेटिव होगा, तो ये क्वांटिटी नेगेटिव होगी, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। ओके, अब dy/dx को थोड़ी देर के लिए अपन अगर टैन थीटा बोलें, ठीक है, तो फिर डी ऑफ dy/dx, देख सकते डी ऑफ dy/dx ये कितना आएगा, sec स्क्वायर थीटा डी थीटा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं एक dx और जोड़ दूँ, ठीक है, तो इसको यहाँ पे एक dx और जोड़ देते हैं, ठीक। तो ये जो क्वांटिटी d2y/dx2 लिखी हुई है, ठीक है, तो वैल्यूज डाल दो जरा, t/x ρg इज इक्वल्स टू, ये क्या हो गया, 1 + tan² θ जो हो जाएगा sec² θ की पावर 3/2, तो sec³ θ बन गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये क्या बन गया, sec² θ d θ, ठीक है, और dx, dx को मैं इधर ले आके यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, माइनस साइन भी था, तो अब ये क्या बना, ये sec³ नीचे आएगा तो बन जाएगा cos, मतलब sec, एक sec² को कैंसिल कर देगा और बाकी बचेगा cos, तो cos θ d θ नेगेटिव इज इक्वल्स टू x ρg dx अपॉन टेंशन, सही है। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, थीटा की इनिशियल वैल्यू यहाँ पे कितनी है, π/2 है, ठीक है, से थीटा तक, फिर x की वैल्यू यहाँ से कितनी है, 0 से लेकर x तक, ठीक है। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, -sin θ π/2 से थीटा, ठीक है, इज इक्वल्स टू x² ρg/2t, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 1 - sin θ इज इक्वल्स टू x² ρg/2t, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अब तुम कहोगे ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कहाँ है, तो बिल्कुल है, ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ही है। थीटा क्या है, थीटा इस कर्व का स्लोप है, ठीक, किसी जनरल पॉइंट पे। तो यहाँ पे मैंने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री थीटा वर्सेज एक्स के फॉर्म में निकाली है, रादर देन वाई एक्स। जरूरी तो नहीं कि वाई और एक्स के फॉर्म में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकाली है, वाई एक्स के फॉर्म में क्यों नहीं निकाली, बिकॉज बहुत ही कंबरसम मैथ्स आएगी। साइन थीटा अगर हमें पता है तो टैन थीटा, इसको मैं टैन थीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, फिर टैन थीटा को dy/dx लिखूंगा, तो बहुत ही कंबरसम मैथ्स आती है, बट ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री अपने आप, मतलब दिस इज ऑल्सो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ओनली, ठीक है। तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री सेमी सर्कल को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, ठीक है। अगर इनफैक्ट अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे सेमी सर्कल होता भी, तो भी अगर अपन बोलते हैं यहाँ पे, फिर ये चीज़ मतलब इस केस में ये स्लोप 90 बन जाता, मतलब यहाँ पे जो एंगल है थीटा ये 90 को अप्रोच कर जाता, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो ये स्लोप माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, टैन थीटा जो है माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब साइन थीटा -π/2 को अप्रोच करेगा, साइन थीटा -1 को अप्रोच करेगा, अगर टैन थीटा -इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो थीटा -π/2 को अप्रोच कर रहा है, देयर फोर साइन थीटा -1 को अप्रोच करेगा, तो वी कैन से दैट उस केस में भी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, है ना, 1 - -1 2 हो जाएगी, इज इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच हो जाएगी, तो h² ρg/2t, हेंस वी कैन से दैट एच की वैल्यू यहाँ से भी कितनी आएगी, 4t/ρg का अंडर रूट। सो यू कैन सी दैट बोथ दी मेथड्स गिव अस दी सेम आंसर, 40 बाय रोजी, ठीक है, ये मैंने प्रेशर से किया है, ठीक है, प्रेशर लिख के डेराइव करके किया है, तो आंसर 40 बाय रोजी आता है, अगर यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल मान लें तो, ठीक है। तो आई होप यू गॉट दी आइडिया ऑफ फोर्स मेथड से भी 40 बाय रोजी आता है, ठीक है, तो विच इन माई ओपिनियन इज द करेक्ट आंसर, एंड यू हैव ऑल्सो सीन हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। सो आई होप गाइज यू वुड हैव लाइक दिस सोल्यूशन, थैंक यू, ग्रेट डे।